हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा आपके थंबनेल की पहचान। जी हां, आज हम अपने जो यूट्यूब चैनल पर हमारे जो वीडियोस होते हैं या जो भी चीज़ हम अपलोड करते हैं, गाने वगैरह, कॉमेडी वगैरह, उसका जो थंबनेल होता है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आपके थंबनेल की पहचान क्या है और आपको क्या अपने थंबनेल की पहचान रखना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपका थंबनेल देखकर ही आपके चैनल की पहचान कर ले। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और हम आपको भी दिखाएंगे हमारे थंबनेल कि हम उनमें क्या पहचान देते हैं और ऐसी क्या दिखना चाहिए हमारे थंबनेल में ताकि लोग हमारे थंबनेल को देखकर ही हमारे चैनल की पहचान कर ले और उस वीडियो को ओपन करने की कोशिश करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं थंबनेल की। सबसे पहले मैं आपको मेरे दो टाइप के थंबनेल दिखा देता हूँ। मैं दो टाइप के थंबनेल बनाता हूँ। पहला थंबनेल जो होता है कि जो मेरे गानों के लिए होता है वो, और दूसरा जो कि मैं वीडियो बनाता हूँ उसका थंबनेल। तो दोनों ही थंबनेल आप देख लीजिए बारी बारी से। ये दो वो थंबनेल हैं जिन पर मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, यानी कि वीडियोस बनाने के बाद इन थंबनेल को उन पर अपलोड करता हूँ। तो मैं बारी बारी से आपको दिखाऊंगा। मेरे इन दोनों थंबनेल में आपको एक एक पहचान देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं इन पर एक पहचान छोड़ता हूँ जो कि मेरे थंबनेल की पहचान होती है। और आपको भी ऐसा करना चाहिए अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, आपका थंबनेल अच्छे से अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। क्या होता है, नए यूट्यूबर्स कुछ तो भी थंबनेल बनाकर डाल देते हैं, अलग अलग टाइप के थंबनेल। हाँ, वो ठीक है कि आप अलग अलग टाइप के थंबनेल बनाते हैं, लेकिन उन पर आपको एक अपनी पहचान छोड़नी चाहिए जिससे कि आपके चैनल का पता लगे किसी भी थंबनेल को देखकर कि यार ये उस बंदे का चैनल है जिसकी, मतलब ये थंबनेल उसकी पहचान है। थंबनेल ही आपके चैनल की पहचान बनता है। तो अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे जो थंबनेल है उन पर मैं क्या पहचान छोड़ता हूँ। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो थंबनेल यूज़ करता हूँ वो क्या है और उनमें मैं अपनी क्या पहचान छोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं अपने गाने के लिए कौन से थंबनेल यूज़ करता हूँ और उस पर मेरी क्या पहचान रहती है। ये देखिए, मैंने मेरे गानों के जो थंबनेल है वो मैंने यूज़ किए। मैं थंबनेल के साथ में गाने के साथ विजुलाइज होने वाला वॉलपेपर भी साथ ही रखता हूँ। जैसे कि मेरा ये गाना हुआ, ये मेरा थंबनेल है, जस्ट साइड में इसमें गाने में चलने वाला एक विजुलाइजन इमेज है। ये दोनों में एक साथ ही रखता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपको मेरे थंबनेल्स दिखाता हूँ, उसमें पहचान आप भी थोड़ा गेस कीजिएगा। पहला ये ओपन किया, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अब मैं सेकेंड वाला कोई भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला ओपन किया मैंने, इसमें भी आप ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा कॉमन चीज़ देखने को मिल रही होगी जो कि मेरे थंबनेल्स में मैं यूज़ करता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल थंबनेल्स बनाता हूँ, ज़्यादा एडिट नहीं करता, नॉर्मल पिक के साथ उसमें सिर्फ वर्ड्स की एडिटिंग करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। अब मैं खुद ही आपको बता देता हूँ कि वो कॉमन चीज़ क्या है। जैसे कि ये हुआ, यहाँ पर आपको ये एक लोगो देखने को मिल रहा होगा, डीजे मिक्स मेरे हर गाने में यूज़ होता है और ये मेरी पहचान है। बहुत से लोग इस लोगो को कॉपी कर रहे हैं, आप देखिएगा मेरा ये लोगो बहुत कॉपी हो रहा है। और ये देखिए, ठीक है, डीजे मिक्स, हालांकि आपको कलर चेंज मिलेगा लेकिन लिखा हुआ डीजे मिक्स लोगो इसी आपको फॉन्ट में मिलेगा जो कि एक स्लैंड का एक फॉन्ट है। हर गाने में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी पहचान इस तरीके से छोड़नी चाहिए। मेरे हर गाने में आपको ये वाला लोगो देखने को मिल ही जाएगा। मैं हर गाने में इसी लोगो का यूज़ करता हूँ, देखा इस तरीके का। इससे मेरा गाना अट्रैक्टिव सबसे ज़्यादा चलने वाला, मात्र 30 दिन में चला था ये गाना 6 मिलियन सबसे ज़्यादा चलने वाला। अब मैं आपको मेरे वीडियोज़ दिखा देता हूँ जिस पर भी मैं पहचान छोड़ता हूँ। ये रहे मेरे वीडियोस थंबनेल, देखिए ये रहे, ओपन किया, ये ओपन किया। यहाँ पर आपको दो कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी हर थंबनेल में, दो। पहला ये उसका हुआ, आपको कोई सा भी थंबनेल आप यूज़, ये देखिए आपको दो कॉमन चीज़ देखने को मिल ही जाएगी मेरे वीडियो थंबनेल में। देखो, पहली हुई ये वीडियो का नंबर, सेकंड स्माइली इमोजी हाय करता हुआ। ये देखिए फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड। आपको अपनी पहचान इस तरीके से छोड़ दीजिए अपने थंबनेल मर ताकि आपका वीडियो आपके थंबनेल से जाना जाए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैं अपने दो टाइप के थंबनेल में इस तरीके की पहचान छोड़ता हूँ। अगर मैं गाने के लिए थंबनेल बनाता हूँ तो वहाँ पर डीजे मिक्स का लोगो लगाता हूँ, और अगर वीडियो के लिए थंबनेल बनाता हूँ वहाँ पर एक स्माइली हाय, और दूसरा जो वीडियो का नंबर होता है जो कि मेरा वीडियो का काउंटिंग नंबर होता है वो मैं उस पर लिख देता हूँ। ये क्या होता है, मेरे आने वाले थंबनेल की जो पहचान है उससे आगे बढ़ते जाएगा और प्लस मेरे वीडियो का काउंटिंग लेवल भी मुझे पता होता जाएगा। ये ऐसी ट्रिक है जो कि आपको आगे हमेशा काम देगी, और ऐसी पहचान है आपके वीडियो की जो कि आपको आगे बढ़ाने में प्रमोट करती है। तो आप भी अपने थंबनेल को बिल्कुल एक पहचान दीजिए, हो सके छोटा सा आप बिल्कुल लोगो लगाइए या अपने चैनल का टाइटल लिख दीजिए उस थंबनेल पर। अदरवाइज वीडियो से रिलेटेड जो भी, अगर आप हर अलग अलग टाइप की वीडियोज बनाते तो उसका एक सबटाइटल लिख दीजिए वहाँ पर। अपने थंबनेल को एक पहचान छोड़नी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका चैनल जल्दी से जल्दी पहचान बढ़ाने में आपकी मदद करे, और आपका जो चैनल का लेवल है वो धीरे धीरे यानी स्पीड से आपका बढ़ना चालू हो जाए। आपके थंबनेल से आपकी वीडियो की पहचान होती है, और आपके वीडियो से पहचान से आपका चैनल आगे बढ़ता है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे कीजिए, अपने थंबनेल को एक अच्छी सी पहचान दीजिए ताकि आपका चैनल प्रमोट जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।